बैक टू माई चैनल ब्यूटी मैनिया विद रितु। तो आज मैं करने वाली हूँ न्यूड मेकअप लुक फॉर एवरीडे। एवरीडे में आप जो न्यूड मेकअप लुक कैसे कर सकते हो, और ये वाला जो लुक होता है वो बहुत अच्छा लगता है। इससे ना आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी इन्हेंस होती है, लगता है कि हाँ कुछ मेकअप, एक हाई स्टैंडर्ड वाला मेकअप किया है। तो यही वाला आज का लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि एवरीडे में आप इस टाइप का मेकअप लुक कैसे कर सकते हो या कैसे करना है, कितना प्रोडक्ट लेना है, सब कुछ। क्योंकि डेली वेयर में ना हमको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पार्टी वेयर में आप हैवी बेस लेके मतलब मेकअप कर सकते हो, लेकिन रोज़ वाला जो मेकअप लुक होता है ना वो बिल्कुल सटीक होता है। बिल्कुल कम हम प्रोडक्ट्स के साथ वर्क करते हैं और बहुत अच्छे से ब्लेंड करते हैं, तभी वो मेकअप लुक अच्छे से निकल के आता है। तो यही इसी पे आज की ये वीडियो है। स्पेशली बिगनर्स भी हो या नए भी हो, या उतना नॉलेज नहीं है, करना नहीं आ रहा मेकअप, तो आप ये वाला लुक क्रिएट भी कर सकते हो और इस टाइप से भी आप मेकअप कर सकते हो। मैं बताती चलूँगी वीडियो में कैसे प्रोडक्ट कितना लेना है, कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहले आप अपनी स्टार्टिंग करोगे एक मॉइस्चराइज़र से, जो कि है जहाँ पे मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो ये नायका का है। ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है, जो कि इस पर लिखा हुआ है। तो मैं इसी के हिसाब से अपना मतलब अपनी स्किन के हिसाब से ही अपना मॉइस्चराइज़र चूज़ करें। और स्पेशली जब आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हो ना, तो मॉइस्चराइज़र को ब्लेंड बहुत अच्छे से करें। ब्लेंड अच्छे से नहीं करोगे तो मर्ज नहीं होगा आपकी स्किन के अंदर, तो क्या होगा, आपका बेस बिल्कुल भी ना वो कहते हैं ना फ्लॉलेस बेस, वो नहीं बनता। इसलिए मसाज बहुत अच्छे से करें, एटलीस्ट 1 मिनट तक अपने फेस की मसाज करें, ताकि पूरा मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन में मर्ज हो जाए अच्छे से। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ हमारा प्राइमर, जो कि है कलर बार का। डेली वेयर रूटीन में मेकअप से पहले आप प्राइमर ज़रूर ऐड कर लें। ये एक ब्रिज बना देता है मेकअप और स्किन के बीच में। इससे हमारी हमारी जो स्किन होती है ना वो बहुत अच्छे से सेफ़ रहती है। अब यहाँ पे मैं आईब्रो सेटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले इसको कॉम कर लें। यहाँ पर मैंने पैक की आईब्रो किट ली है। आईब्रोज़ बहुत अच्छे से फिल करें और परफेक्टली फिल करोगे तो आपकी आईज़ ओवरऑल लुक भी बहुत अच्छा आएगा। तो डेली वेयर में ये चीज़ ज़रूर करें। अब यहाँ पे टिंट ले रही हूँ, मेबेलिन का है नंबर 01। तो ये बॉटल में ना इसका मिक्स नहीं हो पाता, तो मैं इसको पहले पैलेट में लेके इसको ब्रश से मिक्स कर रही हूँ, ताकि सारे ऑयल केमिकल सब अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैंने क्या किया है, आपको ना बहुत ज़्यादा वाइट बेस नहीं रखना। अपनी स्किन से मैचिंग का फाउंडेशन रखें एक टोन। तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा वाइट बेस लगा लोगे तो वो डेली वेयर में अच्छा नहीं लगता। पार्टी वेयर में फिर भी ठीक लगता है, लेकिन डेली वेयर में हद से ज़्यादा वाइट बेस अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप अपनी स्किन से मैचिंग का फाउंडेशन रखोगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल नेचुरल लुक आएगा, ज़्यादा फेस आपका मतलब वाइट भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके का शेड चूज़ करें। तो मैं डेली वेयर में बहुत हैवी बेस नहीं रखती हूँ, तो आप BB CC क्रीम यूज़ कर सकते हो, या फिर ये मेबेलिन का है फाउंडेशन, ये वाला भी आप यूज़ करते हैं। ये स्पेशली डेली वेयर के पर्पज़ से ही बनाया गया है। कंसीलर के लिए मैं बोलूँगी, यहाँ पे मैंने ELF का लिया है नंबर 01, ये आइवरी है। तो अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं है, तो आपको सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर अपने आई एरिया को ब्राइट दिखाना है। और इस तरीके से मैंने आईब्रोज़ को भी थोड़ा आउटर लाइन बना दी है। इससे बिल्कुल एक क्लीन लुक आता है। ऐसा लगता है कि आपने बहुत प्रॉपर तरीके से मेकअप किया है, लेकिन मेकअप बहुत लाइटर रहता है, लेकिन लुक वैसी ही आती है कि आपने बहुत अच्छे से हैवी स्टाइल में किया है। तो इस टाइप का मेकअप डेली वेयर में करोगे तो बिल्कुल परफेक्टली आपका फेस लगेगा, आपकी पर्सनैलिटी इन्हेंस होगी, क्योंकि मेकअप से बहुत हद तक पर्सनैलिटी इन्हेंस होती है। तो इसको इसी तरीके से अप्लाई कर लें। हल्का हल्का मैंने ब्रश से ब्लेंड किया है। ब्यूटी ब्लेंडर से इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट ना उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। क्रीमी ब्लश ज़रूर यूज़ करें डेली मेकअप में। तो यहाँ पे मैंने फॉरएवर 52 का ये पीच कलर का ब्लश है, उसको यूज़ कर रही हूँ, और एक फ्लफ़ी सा ब्रश लेके उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने लूज़ पाउडर लिया है मेबेलिन का नंबर 15। तो ये लूज़ पाउडर मैं इसलिए ले रही हूँ, अगर ड्राई है या ऑयली स्किन है तो ये बहुत अच्छे से लॉक कर देगा आपके बेस को, और बहुत हैवी कवरेज नहीं देता है। तो जो अंडर आई एरिया होता है उसको भी पहले इस तरीके से सेट कर लें। तो ये ऑल डे ऐसी बना रहेगा, आपका बेस बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। हाँ, पसीना या ऑयल आ रहा है तो आप उसको डैब डैब करके रिमूव कर सकते हो, लेकिन रगड़े ना अपने फेस को, नहीं तो सारा आपका मेकअप हट जाएगा। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने पूरा फेस अच्छे से सेट करके अपने नेक पे भी आप अच्छे से इसको अप्लाई कर लें। क्योंकि नेक पे लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब यहाँ पे मैंने आई शेडो पैलेट ली है जो कि है नायका की, बहुत हल्का वाला ब्राउन टच का आई शेडो ले रही हैं। आईलेट पे मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, सिर्फ क्रीज लाइन आपको बनानी है। इससे क्या होगा, आपकी जो आईज़ होगी ना वो बहुत अच्छे से इन्हेंस होगी, आपकी आई शेप बहुत अच्छे से बन जाएगी और ऐसा लगेगा कि आपकी आईज़ ना बड़ी है। वैसे मेरी आईज़ छोटी है और होडेड आईज़ है ये मेरी, लेकिन इस टाइप का आप आई शेडो करोगे ना सिर्फ क्रीज लाइन पे तो आपकी आईज़ बड़ी भी लगेगी। आईलिड पे मैंने वाइट कलर का आई शेडो लिया, आप देख सकते हो ये मास्क की पैलेट से लिया, अगर किसी भी आई शेडो पैलेट से आप ले सकते हो वाइट कलर का आई शेडो। अब यहाँ पे मैंने आईलाइनर जो यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ कर रही हूँ हमारा लैक्मे का आईलाइनर, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। अगर आप बिगिनर्स हैं ना तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो, या अच्छे से अभी लाइनर लगाना सीख नहीं आता और सीख रहे हो तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल मैट लुक देता है और प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, सस्ता है, कहीं भी शॉप पर आपको ईज़िली मिल जाएगा। इसके बाद मैंने मस्कारा लिया है, डेली वेयर में शायद ही कोई मतलब बहुत कम लोग आईलैशेस यूज़ करते होंगे, क्योंकि मेरी आईलैशेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अच्छी आईलैशेस है तो ज़रूरत नहीं पड़ती फॉल्स लैशेस की, आप सिंपल इस तरीके से मस्कारा लगा सकते हो। अब लोअर लैश लाइन पे हल्का हल्का लिप लाइनर से मैंने इसको हल्का सा टच दिया है जो कि है स्विस ब्यूटी का डार्क कलर का कोको ब्राउन है इसका शेड, वो अप्लाई किया है। मैंने सिर्फ आईब्रो बोन्स को हाईलाइट किया है, वही सेम आई शेडो पैलेट से को एक शिमर लेके सिल्वर कलर का उसी से हाईलाइट किया है। चीक्स पे मैं हाईलाइटर नहीं यूज़ करूँगी, सिर्फ कॉन्टोर करूँगी, वो भी पाउडर बेस्ड कॉन्टोरिंग। क्रीमी नहीं जाते हैं डेली वेयर में, क्रीम वाला ना थोड़ा हैवी लुक आ जाता है, वो आपको आप अपनी पार्टीज़ में यूज़ कर सकते हो। और नोज़ की कॉन्टोरिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें, अगर आप फेस की नहीं करना जानते हो या नहीं आती है तो नोज़ की तो ज़रूर करें, इससे आपका नोज़ बिल्कुल प्रॉपर शेप में आएगा। अब यहाँ पे पीच कलर का ब्लशर लिया है, फेसेस कनाडा का नंबर 03 है, ये पीच कलर में, तो इसको फाइनल टचअप देने के लिए मैंने इसको यूज़ किया है। अब लास्ट में आपको सेटिंग स्प्रे यूज़ करना है ताकि पूरा बेस अच्छे से आपका ऑल डे टिका रहे। अब लिपस्टिक के लिए मैंने सबसे पहले लिप लाइनर लिया है, सेम वही स्विस ब्यूटी का ही ले रही हूँ मैं, कोको है इसका डार्क ब्राउन कलर का, तो पहले लिप लाइनर लगा लिया। न्यूड कलर ही यूज़ करूँगी, तो यहाँ पे मैंने मास्क लिपस्टिक ली है लाटे नंबर 07, ये न्यूली अभी लॉन्च हुई है, शेड बहुत अच्छा है, डस्की पे तो बहुत अच्छा लगेगा ये वाला शेड। इसमें मैंने मिक्स किया है हमारा लव अर्थ का लिपस्टिक जो कि है मिमोसा है इसका शेड, लाइटर कलर है और ये मुझे थोड़ा और लाइटर बनाना, तो मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा कंसीलर। अगर आपको कोई भी लिप शेड डार्क लग रहा है, लाइटर करना है, तो कंसीलर को इस तरीके से डैब लगाएं और सेम उसी लिपस्टिक के ब्रश से, और लिपस्टिक नहीं लेनी है, उसी से ब्लेंडिंग करना है तो लिप शेड बहुत अच्छे से निकल के आता है। तो आप देख सकते हो मेरा फाइनल लुक। तो इस तरीके से आप डेली वाला भी मेकअप करोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से एनहांस होगी। ऑफिस जाते हो या कहीं भी आप वर्किंग हो ना तो आपकी इस टाइप से आप अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस कर सकते हो। आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।